हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ पाइल कंक्रीट, यानी कि हम पाइल के लिए कंक्रीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आता हूं अपने मैं टॉपिक की ओर, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ पाइल कंक्रीट, ठीक है, यानी कि पाइल के लिए कंक्रीट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक ये पाइल का एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, जिसकी डेप्थ कितनी है 25 मीटर, ठीक है, यानी कि पाइल की जो लेंथ होगी वो कितनी है 25 है, ठीक है, मीटर, और इसकी जो डाया है पाइल की वो कितनी, वो 0.6 मीटर है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी इसकी डाया कितनी है 6 मीटर है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसकी डेप्थ 25, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो डिटेल से यहाँ नोट कर ली मैंने पहले ही, डायमीटर कितना था पाइल का, डिटेल ऑफ पाइल 0.6 मीटर, ठीक है, और डेप्थ कितनी थी 25 मीटर, ये नोट है। तो सबसे पहले अगर हमें इसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालना है तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ पाइल निकालना होगा, ठीक है। ये एरिया मिल जाए तो हमें डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें रिक्वायर्ड कितना हमें कंक्रीट है वैल्यूम, ठीक है, वो कंक्रीट हमें मिल जाए, कितना मीटर क्यूब हमें कंक्रीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाइल फाउंडेशन निकालने के लिए हमें दो फार्मूले होते हैं, ठीक है, एक होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 और एक होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको ये दोनों कैलकुलेशन दिखाऊंगा साथ में, ठीक है। तो डी का ये आपको पता है, डाया 0.6 मीटर, ठीक है, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक की ये 6 मीटर है। तो ये डी की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू क्या होगी, जो ये आप देख रहे हैं सर्कल, ठीक है, कि मैं आपको फिगर साइज से दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो ये सर्कल है, ठीक है, यानी कि इसका जो हम क्रॉस सेक्शन जब काटेंगे, ठीक है, जब बीच में काट देंगे कहीं से भी, तो ये हमें टॉप व्यू ऐसा इसका दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये रेडियस है कितनी है, 0.3 मीटर होगी, ठीक है, इसका हाफ कर देंगे, डाया का हाफ, यानी डाया में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो रेडियस कितना है 0.3, तो अब हमें सारी वैल्यू मिल गई दोनों फार्मूले के लिए। तो अब देखिए दोनों का कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, पाई की वैल्यू कितनी होती है, होती है 3.14, ठीक है, पाई की वैल्यू ये आपको पता होगी, अगर नहीं पता होगी तो आप कैश्योर डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, वरना पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है। तो यहाँ पर 3.14 मैंने लेके कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 0.6, ठीक है, डाया ऑफ पाई, ठीक है, 0.6 का ये होल स्क्वायर हो गया अपॉन 4, और यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 0.3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने दोनों में साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया हमने तो आ गया कितना 0.28 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.28 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये दोनों ही फार्मूले से हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए पाइल कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, डेप्थ ऑफ पाइल यहाँ मैंने फिर से नोट किया 25 मीटर, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ पाइल से हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्वांटिटी ऑफ पाइल कंक्रीट क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा डेप्थ ऑफ पाइल इंटू एरिया ऑफ पाइल, ठीक है, यानी कि जो ये एरिया आया है और ये डेप्थ ऑफ पाइल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो देख लिए कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, डेप्थ ऑफ पाइल क्या थी, 25 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 25 मीटर लिख दिया है, और एरिया ऑफ पाइल क्या थी, एरिया ऑफ पाइल थी कितना 0.28 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इधर भी लिखा हुआ है, तो वही मैंने यहाँ पे बता दिया 0.28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए कितना 7 मीटर क्यूब, यानी कि हमें जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, 7 मीटर क्यूब पाइल के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता चलेगा कि पाइल के लिए रिक्वायर्ड कंक्रीट वॉल्यूम कैसे निकालना है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।